दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और मैं हूं राजीव रंजन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का कहर बिहार में लगातार जारी है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब छठे शतक से बढ़कर सातवें शतक की ओर प्रवेश कर रहा है। ताजा अपडेट्स जो स्वास्थ्य विभाग के हैं उसके अनुसार हम आपको बताते चले कि बिहार में टोटल 629 कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं, यानी टोटल जो आंकड़ा है पूरे बिहार का वो 629 है। और स्वास्थ्य विभाग ने जो आज आपको ताजा अपडेट्स दिए हैं, 10 मई सुबह 10 बजे तक 629 टोटल कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, तो हम आज आपके साथ पूरी जानकारी बताएंगे कहाँ के कितने मरीज हैं, कहाँ कितने ठीक हुए और कहाँ कितने डेथ हुए हैं। जिलावार आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, गौर से सुनिएगा कि कहाँ कितने मरीज हैं। लोग असमंजस में हैं कि कहाँ कितने, क्योंकि जो संख्या है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की वो काफ़ी बढ़ चुकी है, 629 हो गया है, सातवें शतक की ओर धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। तो जिलेवार जो आंकड़ा अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है वो आप देख भी सकते हैं क्या आंकड़ा है। स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने जो ट्वीट कर जानकारी दी है, जो उन्होंने आंकड़ा दिखाया है वो हम आपको बता रहे हैं। टोटल 629 मरीज हैं पूरे बिहार में कोरोना पॉजिटिव के। सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो है मुंगेर। मुंगेर में जो आंकड़ा है इन्फेक्टेड केस का वो 104 है, वहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है, सबसे पहले वहीं मृत्यु हुई थी। 104 में 44 जो है वो रिकवर्ड हो चुके हैं, ठीक होकर के यानी कोरोना विजेता बन गए हैं, वापस अपने घर भी चले गए हैं। दूसरे जिला जो है सेकेंड नंबर पर वो रोहतास है, यहाँ भी एक की मौत हुई है जबकि 40 जो है वो ठीक हो गए हैं। तीसरा जिला, वहाँ भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ी, वो है बक्सर। यहाँ 56 कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं। आज 10 मई का जो 10 बजे तक आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है, बक्सर में 56 है, एक भी मृत्यु नहीं हुई है, 54 जो है वो ठीक हुए हैं। चौथा नंबर पे पटना है, वहाँ 52 केस हैं, 23 उसमें से ठीक हुए हैं। नालंदा में टोटल 39 हो गया है, 36 मरीज थे, 3 मरीज 2 दिनों में बढ़े हैं इधर, तो 39 मरीज हो गए हैं। यहाँ भी 35 मरीज ठीक हो गए हैं, 4 मरीज ठीक होना बाकी है नालंदा में। सिवान में टोटल 33 मरीज हैं जिसमें से 32 ठीक हो गए हैं, बहुत अच्छी खबर है, मात्र एक मरीज जो है वो ठीक होना बाकी है। कैमूर 32 मरीज हैं, 24 ठीक हो गए। बेगूसराय 27 मरीज, 9 ठीक हो गए। मधुबनी 24 मरीज हैं, एक भी ठीक नहीं हुए। गोपालगंज 18 मरीज, 17 ठीक हो गए हैं। भोजपुर में 19 पॉजिटिव मरीज थे जिसमें 10 ठीक हुए हैं, 9 और बाकी हैं। औरंगाबाद में 14 मरीज हैं जिसमें से आज 8 जो है ठीक हो गए हैं। भागलपुर में 14 मरीज हैं उसमें 3 ठीक हुए हैं। दरभंगा में 11 हैं, वेस्ट चंपारण पश्चिमी चंपारण में 11 हैं, कटिहार में 11 हैं, तो वेस्ट चंपारण में 3 ठीक हुए हैं, कटिहार में 11 हैं, एक भी ठीक नहीं हुए। पूर्वी चंपारण ईस्ट चंपारण जो है वहाँ 10 लोग इन्फेक्टेड हैं जिसमें एक की मृत्यु हुई है, ठीक अभी तक वहाँ एक भी नहीं हुए हैं, थोड़ा सा गंभीर ये खबर है पूर्वी चंपारण के लिए। मधेपुरा में 9 मरीज हैं जिसमें से 2 ठीक हुए हैं। सहरसा में 9 हैं जिसमें से एक भी अभी ठीक नहीं हुए हैं। सारण में 8 हैं जिसमें 7 ठीक हो गए, बहुत अच्छी खबर है, एक जो है वो अभी ठीक नहीं हुए हैं, बहुत जल्द वो भी कोरोना विजेता बनकर अपने घर जाएंगे। अरवल में 8 हैं जिसमें से 2 ठीक हो चुके हैं। समस्तीपुर में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं अभी तक जिसमें एक भी ठीक नहीं हुए हैं। गया में 6 जिसमें 6 के 6 ठीक हुए हैं, बहुत अच्छी खबर है गया के लिए। बिहार के गया में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे जिसमें 6 के 6 ठीक हो गए हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं सीतामढ़ी जिले में जहाँ 6 मरीज मिले, एक अभी तक ठीक हुए हैं, इतना ही नहीं एक की मृत्यु भी हो गई है। जहानाबाद में 5 मिले, एक ठीक हुए हैं। खगड़िया में 5 मिले हैं, एक भी ठीक नहीं हुए।
नवादा में 5 मिले, 3 ठीक हुए हैं। लखीसराय में 4 मिले, 4 के 4 ठीक हो गए, बहुत अच्छी खबर है लखीसराय के लिए। वाका में 4 मिले, 1 भी ठीक नहीं हुए हैं। वैशाली में 4 मिले जिसमें से 2 ठीक हुए हैं और 1 की मृत्यु भी हुई है। शिवहर 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 1 भी ठीक नहीं हुए हैं। मुजफ्फरपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, 1 भी ठीक नहीं हुए। अररिया में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले, इसमें से 1 भी ठीक नहीं हुए। पूर्णिया में 2 हैं, शेखपुरा में 2 हैं, किशनगंज में 1 हैं, सुपौल में 1 है। यानी हम कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर, अररिया, पूर्णिया, शेखपुरा, किशनगंज, सुपौल अभी ये क्वारंटाइन है। शिवहर का भी वही हालात है, जितने भी मरीज हैं यहाँ ये भी क्वारंटाइन है, 1 भी ठीक नहीं हुए हैं। जल्दी इनके लिए भी खुशखबरी आएगी और ये भी कोरोना विजेता बनकर वापस अपने घर जाएंगे। तो हम लगातार जनादेश न्यूज नेटवर्क भी आपसे अपील कर रहा है कि आप घर में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त करें, इस पर जंग जीतें। तो दोस्तों, हमने जो ये आंकड़ा आपको बताया, पूरे बिहार का आंकड़ा था, जिलेवार आंकड़ा हमने दिया। टोटल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 629 है और जिलेवार हमने आंकड़ा आपको बताया। सबसे जो इन्फेक्टेड जिला है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है, वो मुंगेर, जहाँ की सबसे ज़्यादा सैकड़ा पार कर गया है, एक शतक पार कर गया है वहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। यानी हम कह सकते हैं कि 104 मरीज वहाँ है, यानी हकीकत है कि सैकड़ा पार कर गया, शतक पार कर गया है, जिसमें से 44 मरीज ठीक भी हुए हैं, 1 की मृत्यु भी हुई है। पटना की भी हालात तो गंभीर ही है, बक्सर की भी हालात गंभीर है। यानी ये हम कह सकते हैं कि बिहार का ये सभी जो 4-5 जिले हैं वो काफ़ी प्रभावित जिले हैं कोरोना पॉजिटिव को लेकर के। कोरोना के मरीज यहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं और मिले हैं अभी तक। तो हमने यह आपको जिलावार आंकड़ा बताया दोस्तों। टोटल 629 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का हमने आप तक आंकड़ा पहुंचा दिया, जिलेवार आंकड़ा। तो लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, जो भी खबरें हो रही है सभी का अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियोस।